बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, ये देखिए ये सुरख लोबिया है। इसको मैंने रात को भिगो दिया था और अब इसको मैं पानी में डालकर प्रेशर में ये थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल कर लूँगी। और ये सफ़ेद चने हैं, इनको भी मैंने रात को भिगो दिया था और अब मैंने इनको दोबारा से धो के रख लिया है। जब सुरख लोबिया बॉईल हो जाएगा इसके बाद मैं इनको बॉईल करूँगी, हम इनका सैलड बनाएंगे। जन आइलैंड सॉस बना रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट ये हैं। ये मेयोनीज है 1 कप, ये केचप है 2 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस है 2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, मस्टर्ड पेस्ट 1 1/2 टीस्पून, शुगर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च हसबे जायका हम इसमें डालेंगे। अब हम ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे। ये केचप 2 टेबल स्पून, ये चिली गार्लिक सॉस, ये मस्टर्ड पेस्ट, सॉल्ट हसबे जायका, शुगर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, इसमें थोड़ा सा विनीगर भी डालेंगे, लेमन जूस या विनीगर इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे, इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी जाएगी। अब इस बोल में हम ये सब चीज़ें, रेड बीन्स 1 कप, फुल बड़ा कप लिया था, चने और ये मैक्रोनी भी इसमें ऐड कर देंगे। आप इसका कलर देखें, थोड़े से ऐड करूँगी, 1/2 कप से थोड़े से कम। ये कैरेट है, इसमें 1 कप कैरेट डाल दूंगी। ये खीरा है 1/2 कप, 1 खीरा मैंने इसमें ये डाल दिया। ये बंद गोभी है 1/2 कप, बंद गोभी डाल देंगे। अब हम इसमें ये सॉस डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। व्यूवर्स, ये देखिए हमारा सैलड रेडी हो चुका है। मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उम्मीद करती हूँ आप भी इसे बनाएंगे। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी फ़ीडबैक का मैं वेट करूँगी।